पाकिस्तान की हिरासत से वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में मेडिकल चेकअप जारी है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को विंग कमांडर अभिनंदन का जो मेडिकल चेकअप हुआ उसमें उनकी पसली टूटने, पीठ में अंदरूनी चोट और कुछ जख्मों के बारे में पता चला है। फिलहाल विंग कमांडर का इलाज किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अभिनंदन का MRI स्कैन भी किया गया जिसमें पता चला है कि उन्हें किसी तरह की दिमागी चोट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। हालांकि अभी भी उन्हें 2 दिन तक और अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अभिनंदन की पसली विमान से जमीन पर गिरने के कारण या फिर हिंसक भीड़ द्वारा टूटी हो सकती है। अभिनंदन की आंख और चेहरे पर भी कुछ जख्मों के निशान हैं, इसलिए उनका MRI किया गया है जिसमें किसी गंभीर चोट के बारे में जानकारी नहीं मिली है। वहीं पीठ की चोट विमान से गिरने के कारण लगी हो सकती है। शनिवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आर्मी अस्पताल में विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने पायलट से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वे मुलाकात के दौरान जोश में थे और रक्षा मंत्री से मुलाकात कर काफी खुश थे। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार विंग कमांडर ने वायुसेना के अधिकारियों को बताया है कि पाकिस्तान की हिरासत में रहने के दौरान उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया गया लेकिन मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित किया गया। खबर के अनुसार मेडिकल जांच के बाद भारतीय वायुसेना के बहादुर विंग कमांडर को प्रोटोकॉल के तहत कई अन्य जांच प्रक्रियाओं से भी गुजरना होगा। इस जांच में कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिनमें भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे विंग कमांडर से लंबी पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में विंग कमांडर अभिनंदन से अधिकारी पूछताछ करेंगे कि पाकिस्तान की हिरासत में उनके साथ क्या क्या हुआ। सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही इस जांच प्रक्रिया में अभिनंदन की मानसिक जांच भी करी जाएगी।